साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं बिहार LRC अमीन का जो एग्ज़ाम्स आपका 13 अगस्त को लिया गया है, उसका कुछ क्वेश्चंस और मेरे पास जो है शेयर किए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं यहां पे बात करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियोज़ में हम लोग जो है सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस और टॉपिक जो है भेजा गया है कि इस टॉपिक और इस से क्वेश्चंस आए थे, और फर्स्ट शिफ्ट का भी भेजा गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का दोनों का मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। बाकी और भी फर्स्ट शिफ्ट का मैंने ऑलरेडी आपको कल के डेट में आपको जो है प्रोवाइड किया है। सेकंड शिफ्ट का भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर किया था। उम्मीद करते हैं कि आप उसे देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो एक बार जाकर फिर से देख लीजिए। और ध्यान रखिएगा डियर कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे शेयर किए जाते हैं आप लोगों में से किन्हीं ना किन्हीं के द्वारा शेयर किया जाता है, तो जो भी क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं उसकी पुष्टि मैं नहीं करता कि वो क्वेश्चन सही था या गलत था। जो क्वेश्चन हमारे पास शेयर किए जाते हैं हमारे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या नॉर्मल मैसेज के थ्रू या मुझे कॉल करके जो भी चीज़ें बताई जाती है उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस का पुष्टि मैं नहीं करता कि एग्ज़ाम में आपका आया था कि नहीं आया था, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। इसलिए क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है, जो भी आप लोग में से जो भी स्टूडेंट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उनके बेसिस पे ही क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताया जा रहा है, ओके। तो फर्स्ट शिफ्ट का ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो फर्स्ट शिफ्ट का पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन एक बोला गया था कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल इन ड्राई स्टेट इज़ कोल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है, ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी, है ना। जो भी ऑप्शंस में आपका होगा उसके अनुसार आप अपना जो है कर सकते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि पोरोसिटी जो है आपका 0.5 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपका 2.7 है, तो ड्राई डेंसिटी क्या होगा। तो पहले वॉयड निकालेंगे, वॉयड रेशियो, तो वॉयड रेशियो आ जाएगा n/(1-n), तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है ड्राई डेंसिटी आपका आ जाएगा आप g(γ(W)/A), तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 27/2 यानी 13.5 न्यूटन पर मीटर क्यूब आपका आ जाएगा, ओके। डेंसिटी ऑफ वाटर एट पीक तो 3.98 डिग्री सेल्सियस होता है, बट कई बार ऑप्शंस में आपको जो है डायरेक्ट 4 डिग्री सेल्सियस होंगे, तो आप 4 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो। एक और क्वेश्चन था कि m 20 दिया हुआ है, Fe 415 दिया गया है, मोमेंट आपका जो है दिया गया है, तो AST निकालना था। तो AST निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे B और D के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है शेयर नहीं किया गया है स्टूडेंट के द्वारा, तो इसका पूरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं नहीं कर सकता। ऐसे फॉर्मूला होता है 0.5 FCK BD/F/(√1-4.6 MU/FCK BD²), ये फॉर्मूला जो है आपका होता है। एक और क्वेश्चन शेयर किया गया था जो कि क्वेश्चन है कि दूध सागर वाटरफॉल किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो भाई ये गोवा में आपका बनता है, मांडवी नदी के द्वारा बनाया जाता है। और इस झरने में जो है 4 स्तर हैं, जिसकी ऊंचाई जो है अगर बात किया जाए तो 310 मीटर आपका है। एंगल ऑफ डीप एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप जो है 0 डिग्री होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल 360 से रिलेटेड है। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर, उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है। एक और क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि 20 मीटर चेन लेंथ है, उससे जो है 380 मीटर जो है मेजर करते हैं, 20 सेंटीमीटर एरर हो जिसमें, तो ट्रू लेंथ क्या होगा। तो भाई ट्रू लेंथ आपका जो मेजर किया गया और जो ट्रू लेंथ यहाँ पे दिया गया वो, और रॉन्ग लेंथ है ना, ट्रू इंटू ट्रू और रॉन्ग इंटू रॉन्ग आपका होता है। तो l = 20 मीटर, l′=20.2 मीटर, l′=380 मीटर, तो l = l×L डिवाइड करेंगे तो 380×20.2/20, तो आपका जो ट्रू लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 383.8 मीटर, कितना आ जाएगा 383.8 मीटर, ओके। अब यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट से क्वेश्चंस आपका जो है मेरे पास शेयर किया गया, बोला गया कि ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस है, ओके। यहाँ पे बोला गया है कि स्लम्प टेस्ट क्या है, तो स्लम्प टेस्ट जो है कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट को मेजर करने के लिए जो है यूज किया जाता है, कि भाई बैचिंग टू सी हाउ इजली कंक्रीट विल फ्लो, किस तरीके से आसानी से जो है कंक्रीट
फ्लो आपका कर जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टॉपिक बताए गए, जैसे सर्वे से 10 क्वेश्चन, सॉरी बीएमसी से 10 क्वेश्चन, सर्वे से 9 क्वेश्चन, आरसीसी से 4 क्वेश्चन, सोहल से 9 क्वेश्चन, सोम से 8 क्वेश्चन, इरीगेशन से 4 क्वेश्चन, एस्टिमेटिंग से जो है आपका 2 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ग्राफिक से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि फ्लूइड से भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा इन्वायरमेंट से भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। फिर केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था 3 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था आइसोटोप से रिलेटेड। तो देखो ऑक्सीजन का आइसोटोप्स पूछा था, तो ऑक्सीजन का आइसोटोप्स O16, O17, O18 होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का तो पूछ रहा था जिस तरीके से शेयर किया गया उसके अनुसार। तो देखो अगर O18 में अगर बात किया जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन का समेशन होता है एटॉमिक मास। ओके, जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसका जो सम होगा वही जो है हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। ओके, फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M30 ग्रेड। तो M30 ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो एज्यूम किया जाता है वो 5 लिया जाता है। M15 के लिए 3.5, M20 एंड 25 के लिए 4, और M30 टू M65 लिया जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था आपका कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। टफनेस इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि अगर टफनेस इंडेक्स लेस देन 13 है ना, तो आपका नोट टफ होगा। 13 से 19 है तो मॉडरेट टफ होगा, और ग्रेटर देन 19 होगा तो हाई टफ आपका होगा। नंद बाबा मिल्क मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, या कौन सा राज्य शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है शुरू किया है। बाकी इसी तरीके का और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 14 अगस्त का आपका एग्ज़ाम है, और आप एग्ज़ाम से निकलते हैं उसके बाद आप इस वीडियोस को अगर देखते हैं, तो आप हमें जो है शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस को 7488414543, ताकि और भी लोगों के साथ क्वेश्चंस को शेयर किया जा सके और उन्हें एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके का क्वेश्चंस है। तो वीडियोस दिया ये आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलते हैं कि नहीं, लोगों को और बेटर से बेटर कंटेंट और इन्फॉर्मेशन जो है शेयर किया जा सके। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू।